subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो भाई आज जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज वर्ब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। तो गवर्नमेंट जॉब आपकी पॉकेट में आएंगी, उसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीज़ें जो आपके जो डाउट्स हैं ग्रामर को लेके, इंग्लिश को लेके, वो सब आपके बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो बात करेंगे आज ऐसे टॉपिक की जिससे आप कह सकते हैं कि पूरे एग्ज़ाम में 30% एरिया कवर होता है। अब आपको पता है कि भाई 100% में से अगर इंग्लिश में 30% एरिया एक पार्ट से कवर हो रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ये आपको बताने की मुझे शायद आवश्यकता नहीं है। चाहे एरर डिटेक्शन हो, चाहे फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, चाहे इम्प्रूवमेंट हो, या चाहे बात करें हम क्लोज टेस्ट की, वर्ब की ज़रूरत आपको एग्ज़ाम में बार बार पड़ेगी इंग्लिश में, क्योंकि जब आप किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हैं उस सेंटेंस में वर्ब की प्रेजेंस अनिवार्य होती है। तो बात कर रहे हैं कि अगर चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हैं CGL के लिए, आप कर रहे हैं CHSL के लिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CPO के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, NDA के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर इंग्लिश है, अगर इंग्लिश वहाँ पर है तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर के बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक सवाल भाई हमारे दिमाग में आता है कि वर्ब है क्या और वर्ब का मीनिंग क्या होता है। अब आपको पता है डेफिनेशन एग्जाम में आनी नहीं है, बट इसके मीनिंग से आप ज़रूर समझ लेंगे कि वर्ब है क्या। तो अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि वर्ब का मीनिंग क्या होता है, तो स्टूडेंट्स वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या मतलब होता है वर्ब का? मतलब होता है क्रिया। आप लोग पेन पेपर लेके बैठे नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, क्योंकि ये आपके काम आने वाली चीज़ है। तो वर्ब का मतलब है क्रिया, और आपको पता है कि क्रिया का मतलब होता है किसी भी काम को करना या किसी भी कार्य को करना। तो किसी भी कार्य या किसी भी काम के करने को क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जब कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उस सेंटेंस में वर्ब ज़रूर होगी। तो जैसे कि भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं, भाई फ़ोन पर बातें कर रहा है, सिस्टर सो रही है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस में कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई काम है। इसका मतलब इन सभी में कोई ना कोई क्रिया है। ये बात समझ में आ गई? इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं कोई ना कोई काम को कर रही हैं, कुछ ना कुछ स्टेट वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी वर्ब हैं। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से? अब जब हम किसी भी क्रिया के बारे में बात करते हैं तो क्रिया हमें किसके बारे में बताती है? क्रिया हमें बताती है अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। तो कर्ता का मतलब होता है जो काम करने वाला है। तो क्रिया का काम है कर्ता के बारे में इंफॉर्मेशन देने का। इतना पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ डियर स्टूडेंट्स वर्ब के बारे में, तो वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। इनको पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बात करती हूँ मेन वर्ब की, अब जैसे कि भाई आपको समझ में आ रहा है मेन, और मेन वर्ड का मतलब हो जाता है क्या? मुख्य। तो जितने भी मेन काम अगर हैं, अगर मैं आपसे बताऊं कि भाई मैंने आपको कह दिया कि भैया तुम्हें बाजार जाना है, आपने कहा बाजार से खरीदना क्या है, मैंने कहा तो मेन इतनी बात जान लो कि अभी के लिए बस तुम्हें बाजार जाना है, बाकी बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं तुम्हें कॉल पर बताऊंगा, बट फिलहाल तुम घर से जल्दी से निकल लो और तुम जल्दी से बाजार पहुंच जाओ, वहां जाके तुम मुझे कॉल करो। ये हो गया हमारा मेन काम। अब आपको उस बाजार की खरीदारी करने में कौन हेल्प करेगा, कौन आपको मदद करेगा, वो हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। भाई हेल्पिंग वर्ब का तो मतलब यही है कि जो हेल्प कर रहा है, जो सहायता कर रहा है। इसका हिंदी में क्या, वो इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। और सहायक का मतलब होता है भाई सहायता। सो मुख्य का मतलब है मेन बात क्या है, और हेल्पिंग का मतलब है उस बात को सपोर्ट क्या क्या कर रहा है। डन? इतनी बात। अगर मैं आपसे बात करूँ मेन वर्ब की, तो अब जो मैंने आपसे बोला कि भाई आपको मेन बात यह है कि आपको बाजार जाना है, तो अब उससे जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे भाई आपके दिमाग में सवाल आएंगे। क्यों जाना है, क्या करना है, क्या खरीदना है, किससे बात करनी है, क्यों भेज रहा है। तो ये हमारे सब उसके पार्ट्स हैं, मतलब हमारे मेन एक्शन के ये इतने सारे सेंटेंस में पार्ट्स होंगे। क्या क्या? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट एंड कॉजिटिव वर्ब। अब अगर मैं आपसे बात करूँ इन पार्ट्स के बारे में, तो इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे डिटेल से। अब भैया फाइनाइट भी कहीं ना कहीं सुन रखा है, कहीं नॉन फाइनाइट भी सुना। अब कॉजिटिव तो कॉज का मतलब तो कारण होता है, मतलब ये है हमारी कारण बताने वाली वर्ब्स। इनको अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद डिटेल में।
अगर मैं आपसे बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो जैसा कि इसका नाम है ऐसा ही आपको समझना है कि ये सिर्फ मुख्य क्रिया को हेल्प करने का काम करेगा। कैसे? अब ये क्या करता है, जो भी मेन काम है, मैंने कहा कि आपको बाजार जाना है, राम बाजार गया, राम बाजार जाएगा, राम बाजार जा रहा है, इनमें मेन काम तो जाने का हो रहा है, बट डिफरेंस ये आ रहा है, एक सेंटेंस में वो चला गया, एक में वो जा रहा है और एक में भाई वो जाएगा। ये तीन अलग अलग बातें हमें इस काम के टाइमिंग, या हम कह सकते हैं कि हमें टेंस के बारे में बताती हैं। ये बातें हमें क्या बता रही हैं, या तो टाइमिंग या फिर हमें टेंस के बारे में बता रही हैं। तो जो वर्ब्स ऐसी होंगी जो इस मेन वर्ब को हेल्प करके हमें टेंस के बारे में बताएंगी, वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी। एक सेंटेंस में आपने बोला राम इज गोइंग, एक में आपने कहा राम वॉज गोइंग, एक में आपने कहा राम विल बी गोइंग। तो इज वॉज विल, ये हमारे सब क्या हैं, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स को किसी किसी जगह पर आप ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ोगे तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी जो है वो दूसरा वर्ड है किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए। और इसका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, जितनी बात सबको समझ में आ रही है। अब भाई इसके दो पार्ट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या, एक प्राइमरी और दूसरा मॉडल। अब प्राइमरी में हमारी आती है मेन वाली जो है, जैसे कि इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, वगैरह वगैरह, अभी करेंगे हम इसका डिटेल डिस्कशन। अगर मैं आपसे बात करूँ मोडल्स, या फिर जिन्हें हम लोग मॉडल वर्ब्स भी कह देते हैं, इसमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, कौन कौन से, विल शैल, कैन कुड, मे माइट, एट्सेट्रा, ये सब हमारी आती हैं मोडल्स या फिर मॉडल वर्ब्स में, करेक्ट। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जहाँ पर कोई भी कार्य हो रहा है वो हमारी वर्ब है। अभी मैंने आपको वर्ब समझाया, काम मैंने क्या किया आपको समझाने का, मतलब आई टीच, टॉट यू, तो टीच क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब होगी। अब मैंने आपसे बोला आई वॉज टीचिंग यू, भाई काम मैंने यहाँ पर भी टीचिंग का ही किया है, बट यहाँ पर जो ये वॉज है ये बताने के हमें, ये बताकर हमें हेल्प कर रहा है कि इस काम को मैं कर रही थी। बोले तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये काम हमारा पास्ट से बिलोंग करता है, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये टीचिंग हमारा हो गया मेन वर्ब, और ये आई क्या है, ये है हमारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब साथ ही साथ आपको तो कुछ और पॉइंट्स का ख्याल रखना है। जब किसी भी सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं तो सेंटेंस के कुल मिला के चार प्रकार के प्रकार आते हैं। पहला क्या हो गया, पहला हमारा हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को आप लोग क्या याद कर सकते हैं, पॉजिटिव याद कर सकते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं, सकारात्मक। सकारात्मक मतलब वहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव में होगा, ठीक है। सेकेंड भाई हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब क्योंकि आपको पता है नेग का तो मतलब भी होता है क्या, नेगेटिव, निगेट कर देना, मतलब हटा देना। सो इसका मतलब होता है भाई नकारात्मक वाक्य, जहां पर क्या आ रहा हो, जहां पर नॉट आपको जरूर मिलेगा। तीसरा टाइप भाई हमारा होता है इंटरोगेटिव। क्या होता है, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, जहां पर हमसे सवाल पूछे जाएंगे, करेक्ट। और एक भाई हमारे पास होता है इंपरेटिव। अब इम्परेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं जहाँ पर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, या किसी को किसी काम को करने के लिए मना करते हैं, या किसी से हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली जब हम इनमें से किसी भी सेंटेंस को डियर स्टूडेंट बनाते हैं तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है। भाई कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उस सेंटेंस में शब्द तो आएंगे ना, और वो शब्द क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, आपके सेंटेंस का जो मेन काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता। सेकंड, फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब अगर ज़रूरी है तो। इसके बाद आती है भाई मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का मतलब होता है सेंटेंस की मुख्य क्रिया। इसके बाद आ सकता है ऑब्जेक्ट, ये भी कोई मैंडेट नहीं है। अगर काम किसी के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं और इन दोनों वर्ब्स को हम लोग डिटेल में इनके हर एक पार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है।
अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ हेल्पिंग वर्ब की, सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग, क्योंकि भाई इसमें सिर्फ दो पार्ट ना, तो इसको हम लोग जल्दी से निपटा लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे। अब हेल्पिंग वर्ब के भाई ये हमारे तीन पार्ट्स हैं। वैसे हमने दो पार्ट अभी पढ़े थे, कौन कौन से, एक था प्राइमरी और दूसरा था हमारा मॉडल्स। तो हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं प्राइमरी के बारे में। तो प्राइमरी में भाई ये हमारे तीन पार्ट्स आएंगे, टू बी, टू डू, टू हैव। इनको समझते हैं। आपको पता है कि भाई बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना। अगर डियर स्टूडेंट्स आपने ये कह दिया कि भाई राम एक डॉक्टर है, आप लगा रहे इज, कहीं पे आप लगाएंगे वॉज, कहीं पे आप लगाएंगे आर, कहीं पे आप लगाएंगे एम, कहीं पे आप लगाएंगे वर, वगैरह वगैरह। डू का मतलब होता है करना, मेरे पापा स्मोक नहीं करते हैं, मेरे पापा सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, वो यहाँ पर नहीं जाते हैं। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पापा स्मोक नहीं करते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, माई फादर डज नॉट स्मोक। इसमें मेन काम तो क्या था, स्मोक का, बट वो इस काम को नहीं करते हैं। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें पता चला कहाँ से, डज से। अगर मैं आपसे बोलूँ मैं स्मोक नहीं करती हूँ, तो क्या बनेगा, आई डोंट स्मोक। तो अब मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया डू। अगर मैं आपसे बोलूँ मैंने स्मोक नहीं किया, तो मैं आपसे क्या बोलूँगी, आई डिड नॉट स्मोक। कहने का मतलब ये तीन शब्द वो हैं जो हमारी बात बताने के लिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो डू में हमारे तीन शब्द आ गए, डू, डज, और पास्ट क्या हो गया भाई, डिड। ठीक है, डन, इतनी बात। अच्छा, ये एक बात ध्यान है कि यहाँ पर जो हमारे शब्द आएंगे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के आएंगे। ठीक है, तो भाई फ्यूचर में तो इसका कुछ होता नहीं है, विल शैल आते हैं, वो हमारे मोडल्स में चले जाते हैं। बात मैं आपसे करती हूँ हैव की। अब हैव के तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, किसी चीज़ को अपने पास रखना, कोई काम कर चुके होना, किसी से कोई रिलेशन होना, वगैरह वगैरह, ना। तो हैव के हमारे तीन वर्ड्स आते हैं, हैज़, हैव, और पास्ट में क्या आता है, पास्ट में आता है भाई हैड। क्या आता है, पास्ट में हैड आ जाता है। अब पढ़ते हैं हम इनको डिटेल में। अगर मैं आपसे बात करती हूँ टू बी की, तो देखिए टू बी में आपको सारे के सारे वर्ब्स का ख्याल रखना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करती हूँ इज़ एम आर की, तो हम सबको पता है कि इज़ कहाँ आता है, सिंगुलर में, आर आता है प्लूरल में, और एम आता है केवल आई के साथ में। भाई राम एक डॉक्टर है, तो आपने क्या बोला, राम इज़ अ डॉक्टर, करेक्ट है। अगर आप बात कर लें पास्ट की, तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, वॉज या फिर वर। अब आप क्या कहेंगे, राम वॉज अ डॉक्टर। अगर आप बात करें पैसिव वॉइस की, और मैं आपसे बोलूं इस दरवाजे को बनाया जा रहा है, इस दरवाजे को बनाया जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस डोर इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है, या फिर पेंटेड, या फिर रिपेयर्ड। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, यहां पर हमने यूज किया भाई बीइंग का। इस प्रकार अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की, तो हम इज़मार लगाएंगे, बात करेंगे पास्ट की, तो हम वॉज वर्ड लगाएंगे। ये हो गए इसके बारे में हमारी बेसिक कंडीशंस। अब अगर आपने सेंटेंस पढ़ा हो कि भाई आई एम अबाउट टू ईट दिस एप्पल, इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर भी हम एम लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैं इस एप्पल को खाने ही वाला हूँ, मैं इस एप्पल को खाने ही वाला हूँ। ये भी हमारी टू बी की फॉर्म है। भाई यहाँ पर आपने लगाया टू, और यहाँ पर आपने लगा दिया बी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आई एम गोइंग टू परफॉर्म, मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो ये भी हमारी टू बी की फॉर्म है, क्योंकि भाई यहाँ पर भी आपने ये लगाया टू, और ये आपने लगाया क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारे जितने भी वर्ब्स हैं जो हमें या तो सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताएं, स्टेट मतलब अवस्था, आपने बोला ही वॉज अ डॉक्टर, ये हो गई अवस्था। एक होता है एक्शन, ही वॉज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग, ये हो गया हमारा मेन एक्शन।
तो टू बी की हमने ये फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, इज एम आर, वॉज वर, बींग और बीन भी भाई इसमें आता है, ठीक है, ये हमारे टू बी के फॉर्म्स हैं। अच्छा एक और बात देखो कि अगर कभी भी इनके बाद सीधे टू प्लस वी वन आ जाए, इनके बाद सीधे टू प्लस वी वन आ जाए, जैसे अगर सेंटेंस हो जाए आई एम टू शॉप, पता है इसका मतलब क्या होगा कि मैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे शॉपिंग करनी है, आई एम टू शॉप, मुझे शॉपिंग करनी है। आप बोलो ही इज टू प्ले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसे खेलना है, तो ये भी हमारे टू बी की वर्ब में जाता है। इतना पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को ना, आगे बढ़ लिया जाए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट अपनी सेकेंड टू डू, किसका पार्ट पढ़ रहे हैं, ये हम पार्ट पढ़ रहे हैं प्राइमरी वर्ब्स का। अब डू का मतलब भाई आप जानते हैं करना, मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, बहुत ही आराम से डिटेल में मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है समझना है। अब डू में भाई हमने अभी पढ़े थे कि तीन वर्ब्स है, डू, डज और डिड। पहली बात, जब किसी भी सेंटेंस में ये वर्ब्स आ जाएं, तो इन तीनों के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई राम स्मोक नहीं करता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम डज नॉट स्मोक, राम डज नॉट स्मोक, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, हमने यहाँ पे स्मोक लगाया। लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते, अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाते, तो सेंटेंस बनता राम स्मोक्स, ना कि ये बनता कि राम डज स्मोक। बनाया तो ये भी जा सकता है, बट ज़्यादातर जो करेक्ट है वो भी राम स्मोक्स वाला सेंटेंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, ये हम जब बात पर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, ज़्यादा जोर डालकर बताते हैं, तो ही हम इसका यूज़ करते हैं, अन्यथा हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है भाई। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ डू की, तो पहली बात तो डू और डज में फ़र्क क्या है, डज हम लगाते हैं सिंगुलर चीज़ों के साथ में, और डू को हम लगाते हैं प्लूरल के साथ में, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि भाई ये बच्चे यहाँ पर नहीं खेलते हैं, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दीज चिल्ड्रन डू नॉट प्ले हियर, ये बच्चे यहाँ पर नहीं खेलते हैं, दीज चिल्ड्रन डू नॉट मैंने लगाया, ठीक है। डू क्यों लगाया, क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब है बच्चे, जो कि प्लूरल होता है, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, जो कि सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हमने लगाया डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, ये बात समझ में आ जाती है ना भाई सभी लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अगर मैं आपसे बात करती हूँ डिड के बारे में, डिड के बारे में, तो अगर आप इनका पास्ट बना दें, आप बोलो कि नहीं राम ने तो स्मोक नहीं किया, तो आप क्या बनाएंगे, राम डिड नॉट स्मोक। लेकिन अगर आप इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम स्मोक्ड, राम स्मोक्ड, क्योंकि पॉजिटिव में आपको लगानी होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब आप बनाते हैं इसका अफर्मेटिव, तो आप लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग नहीं भूलेंगे, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। डू और डज यूज होते हैं प्रेजेंट में, डू के साथ में प्लूरल और डज के साथ में हम लगाते हैं सिंगुलर। डिड हमारा यूज होता है पास्ट टेंस में, जिसमें हम डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, जो कि हमारी तीसरी कौन सी है, टू हैव। अब यार हैव के बहुत सारे यूजेस हैं, तो इसके यूजेस को हम लोग आराम से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो टू हैव के का जो सबसे बेसिक यूज़ है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब मैंने बताया कि मेन वर्ब को ये सपोर्ट करेगा, तो ये यूज़ होता है कहाँ पर, परफेक्ट टेंस में। कहाँ यूज़ होता है, यूज़ होता है परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट टेंस को आप थोड़ा सा जान लो कि परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई भी काम हो चुका है, जब कोई भी काम हो चुका है तो हम लोग परफेक्ट टेंस बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि काम हो चुका है प्रेजेंट, चुका था पास्ट, चुकेगा फ्यूचर, ठीक है, तो इसकी हमारे पास क्या है, तीन फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी, हैज, हैव, हैड। अब यहाँ पर एक पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आप समझिएगा,
ये जो तीन हैं ये मैं आपसे बात कर रही हूँ हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है? ये मैंने आपसे बात की हेल्पिंग वर्ब के बारे में, लेकिन हैव का यूज़ जो है वो मेन वर्ब की तरह से भी किया जा सकता है. हैव का यूज़ मेन वर्ब की तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है? इसके बारे में मैं भी आपसे डिटेल में बात करूँगी. अगर मैं आपसे बात करती हूँ हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब में जो हमारा हैज़ है ये कहाँ यूज़ होता है? सिंगुलर के साथ में. और हैव कहाँ यूज़ होता है? प्लूरल के साथ में. हैड चूँकि पास्ट है तो इट कैन बी यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल इन अ सेंटेंस. करेक्ट. मैं आपसे बोलूँ कि भाई राम जा चुका है, तो राम हैज़ गॉन. हम जा चुके हैं, वी हैव गॉन. वो जा चुके थे, दे हैड गॉन. बिफोर यू आस्क्ड, तुम्हारे पूछने के पहले ही वो जा चुके थे. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा? फ्यूचर में क्या हो जाएगा? दे विल हैव गॉन. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमने यूज़ किया इसका हेल्पिंग वर्ब के तरीके से. ये हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गोन हमारा मेन वर्ब है, यहाँ पर हैव हेल्पिंग है और यहाँ पर हमारा हैड हेल्पिंग है. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई अगर मैं आपसे बात करूँ कि मेरे पास एक कार है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे पास एक कार है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार. अगर आप इस सेंटेंस में देखो, तो इस सेंटेंस में यहाँ पर कोई मेन एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, यहाँ पर ये बात कर रहा है आई ऑन अ कार के बारे में. समझ रहे हो इस बात को? कि मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर ये आपसे बात कर रहा है. आई ऑन अ कार का मतलब है यहाँ पर आई हैव अ कार. दैट्स वाई जब आप बात करते हैं हैव की, तो इसको यूज़ करने के कुछ नॉर्मल हमारे पास कंडीशंस है जिनका ख्याल हम लोगों को भाई रखना है. ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ कि आई हैव हैड, तो ये आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. इवन पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया होगा इसके बारे में, तो इसको भी हम लोग एक बार जान लेते हैं. ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ भाई. स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा, वरना आप वीडियो को बाद में दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा. ठीक है जी, तो अगर भाई मैं आपसे बात करती हूँ मेन वर्ब के तरीके से, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करती हूँ मेन वर्ब के तरीके से, तो मेन वर्ब में इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं. ठीक है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं. जैसे कि आप यहाँ देखो, इसका मीनिंग ईट भी हो सकता है, इसका मीनिंग ड्रिंक भी हो सकता है, कंज्यूम भी हो सकता है, टेक भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को बताने के लिए भी हो जाता है, और बहुत सारे और भी पर्पस या तरीके होते हैं जहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग मेन वर्ब की तरह से कर लेते हैं. ठीक है, कहाँ पर? मेन वर्ब की तरह से. कैसे? अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एक कप कॉफ़ी पियो, तो मैं आपसे क्या बोलूँगी? हैव कॉफ़ी, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. मैं आपसे बोलूँ थोड़ा सा आप रेस्ट लो, तो मैं क्या बोलूँगी? हैव सम रेस्ट. मैं आपसे बोलूँ उसकी तो एक बहन है, ही हैज अ सिस्टर, ही हैज अ सिस्टर. अगर मैं आपसे बोलती हूँ क्या कि यू शुड टेक सम मेडिसिंस, तो मैं आपसे क्या बोलूँगी? यू शुड हैव सम मेडिसिंस. तो भाई बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर आप ईट, ड्रिंक, कंज्यूम, टेक, रिलेशनशिप, इन सब में भी आप लोग क्या हैव का प्रयोग कर सकते हो अपने सेंटेंस में. ठीक है, अच्छा, अब एक जो टर्म अभी मैंने आपसे बताई थी कि वो हैज़ हैड वाली टर्म क्या है ना, अब एक आप बात देख रहे हैं कि जब इन सब तरीकों में मैं हैव का प्रयोग कर सकती हूँ. अगर मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव ईटन माई फूड. करेक्ट. अब ये इसने बोला कि भाई ईट की जगह पर आप हैव का प्रयोग भी कर सकते हो, तो सेंटेंस क्या बन सकता है? आई हैव. अब एक बात बताओ कि ईट का ईटन किया, तो हैव का हैव थोड़ी रह जाएगा. है जैसे ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म है, ऐसे ही हैव, हैड, हैड. तो आई हैव हैड
माई फूड, बोलो क्या दिक्कत है? समझ आया ना? ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. एक और बनाते हैं, शी हैज टेकन हर मेडिसिंस. ठीक है, हम इसे ये भी तो बना सकते हैं, शी हैज हैड हर मेडिसिंस. इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है ना. अगर मैं सेंटेंस ये बनाती कि राम हैड ईटन द फूड, तो मैं ये भी तो बना सकती हूँ कि राम हैड हैड द फूड. तो ये भी तो उतना ही करेक्ट है. तो इसका मतलब है, जब आप ईट लगाना चाहते हैं, जब आप ड्रिंक लगाना चाहते हैं, कंज्यूम कहना चाहते हैं, टेक कहना चाहते हैं, रिलेशनशिप बताना चाहते हैं, तो जब यहाँ पर आप लोग हैव लगा सकते हैं, तो आप हैज के साथ क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं. अब इन सारे सेंटेंसेस में ये जो हैव है ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो हैड है ये हमारा मेन वर्ब है. समझ रहे इस बात को? हैव क्या हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हैड क्या हो गया मेन वर्ब. सेम ये हमारा हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब. ये वाला हैड क्या है, हमारा मेन वर्ब. यहाँ ये हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब. और ये वाला हैड क्या है, हमारा मेन वर्ब. मेरे ख्याल से कोई भी भाई डाउट अब आपको नहीं रहेगा, क्योंकि देखो तीनों तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बना के बता दिया है ना. तो कोई भी डाउट आपको यहाँ से अब नहीं रहना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर भाई मैं आपसे बात करूँ कि अगर आप कभी भी इस कंडीशन में कोई भी एग्जाम्पल अगर आप अपने सेंटेंस में देखेंगे, तो कोई भी डाउट अब आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए. ठीक है. अच्छा, इस पॉइंट पर भाई हमने बात की बहुत सारी चीज़ों के बारे में. अब हम लोग क्या करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, तो हम बात करेंगे एक हैव और गेट का यूज़ होता है, प्लस जो हमारे मेन वर्ब्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, तब तक के लिए भाई जुड़े आपको रहना है, और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको इसे शेयर करना है. ठीक है, थैंक यू सो मच.